अचानक से छींक आए या खांसी आए कि यूरिन निकल आता है, अब तो सेक्स करते हुए भी पेशाब निकल आता है। ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो बढ़ती हुई उम्र के साथ महिलाओं में देखने को मिलती है, खासकर मेनोपॉज के टाइम पे। जब किसी फीमेल का मेनोपॉज का दौर शुरू होता है तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके वजह से पेल्विक मसल्स कमजोर होने लगती है। ये वो एरिया होता है फीमेल बॉडी का जहां बच्चेदानी की एंडिंग होती है, पेशाब की एंडिंग होती है। इस पूरे फ्लोर को पेल्विक फ्लोर बोला जाता है। जब मसल सिकुड़ती है, खुलती है, तब हमें यूरिन का प्रेशर महसूस होता है और बढ़ती हुई उम्र के साथ ये जो मसल्स है इसमें कसाव कम होने लग जाता है, जिसके वजह से यूरिन का जो प्रेशर होता है वो महिलाएं झेल नहीं पाती और जल्दी छूट जाता है। कई बार तो टॉयलेट जाने से पहले ही छूट जाता है, छींक आती है कि निकल जाता है, खांसी आती है कि हल्का सा प्रेशर हुआ और निकल जाता है। वैसे तो ये जो दिक्कत है कि यूरिन निकल जाता है, वो होल्ड नहीं रहता, कैपेसिटी होल्ड करने की कम हो गई है, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये फीमेल बॉडी में किसी भी उम्र में देखी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं मेनोपॉज के दौर के टाइम पर इस प्रॉब्लम को ज्यादा महसूस करती है। इसके पीछे वजह यही है कि मेनोपॉज का जब दौर शुरू होता है किसी फीमेल का तो उसकी बॉडी में बहुत से हॉर्मोन्स की कमी आ जाती है जिसका डायरेक्ट प्रभाव पेल्विक मसल्स पर पड़ता है, उन्हीं मसल्स पर जो आपकी यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाती है। वहां की मजबूती मसल्स की कम होने लगती है धीरे धीरे। जिस तरह से आपके शरीर के हर अंग को एक्सरसाइज की जरूरत होती है बेटर परफॉर्म करने के लिए, सेम इसी तरह से आपके पेल्विक मसल्स को बाहरी सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल वैसी चीज होती है जैसे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो आप बाहर से कोई सप्लीमेंट यूज करते हैं या टैबलेट खाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी हो गई तो आप किशमिश का जो इनटेक है वो बढ़ा देते हैं या फिर आप एप्पल या और कोई सप्लीमेंट आप लेना शुरू कर देते हैं। सेम इसी तरह से पेल्विक मसल्स को मजबूती देने के लिए, उनकी वो स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए आपको एक्सटर्नल बूस्टअप देने की जरूरत पड़ती है और उसका एक ही तरीका है एक्सरसाइज, जो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि कीगल एक्सरसाइज कीजिए। ये मेल के लिए ही नहीं बल्कि फीमेल के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिचुएशन एम्बैरेसमेंट भी फील कराती है किसी फीमेल को। आप कहीं जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोसाइटी में आपका आना जाना हो रहा है, किसी फैमिली फंक्शन में आप दो दो मिनट में तो बाथरूम नहीं जा सकते ना। अब 10 लोगों के बीच में बैठे हुए हंसी मजाक चल रहा है और पता लग रहा है हंसते हंसते यूरिन निकल आया, अब अंदर से तो अजीब लगता ही है ना। अब आप दो दो मिनट में उठ के बाथरूम भी नहीं जा सकते, अब उस भीगी हुई पैंटी के साथ आप बैठे रहोगे, ऐसा भी मोमेंट आता होगा कि भीगी हुई पैंटी के साथ आप घंटों बैठे रहते होंगे, घर पे जाकर ही चेंज कर रहे हो और पता लग रहा है इस बीच में यूरिन इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि जो ड्रॉप के थ्रू आपका यूरिन पास आउट हुआ और वो पैंटी के साथ आप बैठे रहे, चेंजिंग ऑप्शन आपको नहीं मिला तो क्या होगा, यूरिन इन्फेक्शन भी होगा। तो एम्बैरेसमेंट के साथ साथ आप इनविटेशन भी दे रहे हो इन्फेक्शन को। इसलिए सभी महिलाओं को कहूंगी कि कीगल एक्सरसाइज कीजिए, अपने पेल्विक मसल्स को वो ताकत हो, मजबूती दीजिए, ताकि जब आपको प्रेशर हो रहा हो यूरिन का तब भी वो मसल्स पहले की तरह कंट्रोल कर पाए, और अगर प्रेशर नहीं है उसके बावजूद भी आपका यूरिन आपकी इजाजत के बिना निकल ना पाए आपकी बॉडी से। ये मजबूती तो आपकी मसल्स में तभी आएगी जब आप कीगल एक्सरसाइज करेंगे। अगर इस एम्बैरेसमेंट से छुटकारा पाना है, ये यूरिन इन्फेक्शन से खुद को दूर रखना है। अब बात करते हैं कि ये एक्सरसाइज किस उम्र से शुरू करनी है, कब करनी है। जी आज से ही कर दीजिए जी, जब तक नहीं पता था तब तक बात अलग है। आज अगर आपको मेरी इस वीडियो से इस एक्सरसाइज के बारे में पता लग रहा है कि हाँ ये कितनी इंपॉर्टेंट है किसी फीमेल के लिए, तो जब पता लग गया फिर देर किस बात की, आज से करना शुरू कीजिए। और इस एक्सरसाइज को करने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा नहीं है कि जब मेरा मेनोपॉज का दौर शुरू होगा मैं तो तभी से ही करूंगा। वर्कआउट हमेशा ही हेल्पफुल रहता है आपकी बॉडी की फिटनेस और मेंटेन करने के लिए, इसकी कोई उम्र नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि मेरे तो अभी बच्चे भी नहीं हुए तो मुझे कीगल एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। अरे भाई, ये कीगल एक्सरसाइज आपके वेजेना को भी टाइटनेस बनाए रखने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि ये सुसु स्टॉप एक्सरसाइज ही है, या आपकी वजाइना को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी मजबूती को, उसकी कसाव को बनाए रखने में इक्वली इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज आपको कब कब नहीं करनी है। तो नंबर वन, अगर आपको अपने पैल्विक एरिया में पेन रहता है तो मत कीजिए, पहले इस पेन का इलाज करवाइए, ट्रीटमेंट लीजिए कि आपको आखिर ये पेल्विक मसल्स में पेन किस वजह से, क्या पता कोई स्टोन, कोई पथरी, कोई ऐसी कोई अंदरूनी बीमारी ना पलप रही हो और आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो तो आपके लिए और ज्यादा पेनफुल रहेगा। तो पहले वो सही कारण डायग्नोज कीजिए कि आपको पेन क्यों रहता है और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। देन सेकेंड,
यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत है। अब मान लो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपके अंदर ये आ गया कि हाँ मुझे करना है, लेकिन आपको यूरिन इन्फेक्शन है, तो यूरिन इन्फेक्शन की पहले ट्रीटमेंट लीजिए, इससे निकलिए, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को शुरू कीजिए। सेम इसी तरह से अगर आप पीरियड्स हैं, मतलब महीने में 2-3 दिन तो आप पीरियड रहते हैं, तो उन दिनों भी आप इस पैल्विक मसल्स एक्सरसाइज को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे आपकी मसल्स पे प्रेशर पड़ता है एक्स्ट्रा, तो दिक्कत हो सकती है। दिन में 2-3 बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको एक से एक वीडियो देखने को मिल जाएंगी जिसमें लोग बताते हैं कि कीगल एक्सरसाइज करने का तरीका क्या होता है। जब भी आप सर्च करें यूट्यूब पे तो कीगल एक्सरसाइज फॉर वुमेन करके सर्च करें, तो सुसु स्टॉप एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए और अपने सुसु को कंट्रोल में लाना सीखिए। गारंटी है आपको इतने बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपकी वजाइना में भी आपको कसाव देखने को मिलेगा। इसे करके तो देखिए।